चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ग्रेट अंगारा, ये पढ़ने से पहले इसका पहला भाग बुलडॉग और बलारा की राजकुमारी जरूर पढ़े, तभी आपको अच्छी लगेगी। चलो फिर शुरू करते हैं। लोमड़ी का दिमाग, गिद्ध की आंखें, गैंडे की खाल, हाथी का बल, शेर का दिल और गोरिल्ले का शरीर, सबको मिलाकर अंगारा बना। अंगारा जानवरों का देवता, पृथ्वी के सभी वन्य प्राणी अंगारा के सेवक है। इस बार अंगारा एक ऐसे देश में पूछा जहाँ जानवर नर बक्सी बन गए थे और बुलडाग नामक शैतान के गुलाम थे। बुलडाग राजकुमारी बलारा का राज्य हड़पना चाहता था, साथ ही राजकुमारी से विवाह भी करना चाहता था। इस शैतान से बचने के लिए राजकुमारी ने अंगारा की मदद मांगी और अंगारा बलारा देश पहुंचकर बुलडाग से भिड़ गया। किंतु बुलडाग ने अपने शैतानी ताकत से अंगारा को ऐसा सबक पढ़ा कि पृथ्वी के वन्य प्राणियों में हाहाकार मच गया। जब अंगारा की मौत का समाचार अंगारा द्वीप पहुंचा, यह संभव नहीं, अंगारा को कोई नहीं मार सकता, यह खबर झूठी है। हे राष्ट्रपति, यह खबर सच्ची है। अंगारा को बुलडाग ने कोयले की मूर्ति बनाकर अपनी राज्यसभा में सजा दिया है और राजकुमारी बलारा को कैद कर लिया है। बुलडाग शैतान का पुजारी है, उसके मुंह से आग निकलती है, वहां के सब जानवर उसके गुलाम हैं। और सुजुकी, सेनापति सुजुकी का क्या हुआ? सुजुकी का खून बुलडाग ने पी लिया। बुलडाग जिसका खून चख लेता है वह उसका गुलाम बन जाता है। अगर यह खबर सच है तो समझो पृथ्वी के समस्त वन्य प्राणियों पर गहरा खतरा मंडरा रहा है। किंतु हमें अभी अंगारा देवता की मौत पर यकीन नहीं, हमें बुलडाग की हुकूमत तहस नहस कर देनी चाहिए, खून का बदला खून से लेना चाहिए। प्रश्न यह है कि हम सब अपनी सेना को वहां उतारेंगे किस तरह। दूसरा प्रश्न यह भी है कि हमें वहां किसी वन्य प्राणी से मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वह तो पहले से ही बुलडाग के गुलाम है। तभी सुनो, एक जहाज अंगारा द्वीप की तरफ आ रहा है, चलो देखते हैं कौन आ रहा है। समुद्र तट पर, यह तो बलारा का जहाज है, इस पर बलारा की पताका लहरा रही है, कहीं बुलडाग यहाँ तो नहीं आ रहा है। सावधान, यह चाल भी हो सकती है, वह सफेद झंडा फहरा रहा है, मित्रता का प्रमाण। जहाज पर, मैं अकेला ही अंगारा द्वीप पर उतर रहा हूँ, लेकिन आप उनसे बातें किस तरह करेंगे, वहां तो सब जानवर होंगे। वे जानवर इंसानों की आवाज में भी बोल लेते हैं, उनको यह आवाज महान सर्जन डॉक्टर कुणाल ने दी है। अंगारा द्वीप के जानवर भले ही वन्य प्राणी है, परंतु उनमें सोचने, समझने और बोलने की शक्ति इंसानों जैसी है, यह बात हमें सुजुकी ने बताई थी। बलारा का सेनानायक कामरान एक नौका द्वारा तट की ओर बढ़ा। हे राजकुमारी के सेनानायक, ईश्वर आपकी मदद करे, अकेला आ रहा है। अरे यह तो वही कप्तान है जो पहली बार राजकुमारी बलारा को लेकर यहाँ आया था, मतलब दोस्त है, आने दो। अंगारा द्वीप पर आपका स्वागत है, मैं अंगारा द्वीप का राष्ट्रपति आपके स्वागत के लिए आया हूँ। धन्य भाग मेरे हे मामी अंगद कुमार, हम लोग गहरे संकट में हैं। बलारा पर बुलडाग का कब्जा हो चुका है और दुख की खबर यह है कि अंगारा अब जीवित नहीं रहे। हम सब इसी दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं, हमें सूचना मिल चुकी है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी आबू, हमारा जासूस, उसी ने यह खबर हमें दी है। अंगद सेनानायक कामरान को विश्राम गृह में ले आया। अब हमारे पास सेना भी नहीं बची, महामंत्री गद्दारी कर चुका है, राजकुमारी बुलडाग की कैद में है। अगर अंगारा की सेना वहां उतरे तो हम बदला ले सकते हैं। ठीक है, हमें निर्णय लेने के लिए एक दिन की मोहलत चाहिए, तब तक आप यहीं विश्राम करें। अगले दिन अंगारा द्वीप की राज्यसभा में, अब हमें बताइए आपकी क्या योजना है। हमारी योजना है सबसे पहले राजकुमारी को आजाद करने की, जो इंसानी सेना नहीं कर सकती। बुलडाग समस्त इंसानों को अपना गुलाम समझता है, इसलिए जानवर आसानी से उसके महल तक पहुंच सकते हैं और राजकुमारी को मुक्त कर सकते हैं। और महल में भी बुलडाग की रक्षा जानवर ही करते हैं, वह इन जानवरों को इंसानी खून में मांस देता है। उसने सभी बागियों को कैद कर लिया है, इन्हीं का भक्षण होता है। अगर बुलडाग की यह नरभक्षी लीला चलती रही तो बहुत जल्दी बलारा में इंसान नाम की चीज न रहेगी और वहां शैतानों का राज होगा। राजकुमारी को मुक्त करने के बाद हम महल पर हमला बोल देंगे और बुलडाग का खात्मा कर देंगे। जानवरों के हमले से उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन शत्रु है और कौन मित्र। हमारे वन्य प्राणी ऐसी कोई पहचान बनाकर रखेंगे ताकि वे एक दूसरे को पहचान सके और धोखे से एक दूसरे पर वार न करे। आपकी योजना हमें पसंद है, हम आपके जहाज से अंगारा के योद्धाओं को बलारा में उतारेंगे। दूसरे दिन अंगारा द्वीप के सारे जानवर बलारा देश के सेनानायक कामरान के जहाज पर सवार हुए। अंगद ने व्हेल को बुलाया,
वेल रानी, अगर हम सब भी मारे गए तो तुम बलारा देश को अपने टकरों से तहस नहस कर देना। उसके टुकड़े टुकड़े समुद्र में डूब जाने चाहिए। ईश्वर करे वह दिन ना आए, लेकिन युद्ध में कहीं कभी कहीं भी मेरी शक्ति की जरूरत पड़ी तो मैं वहीं मिलूंगी। अंगारा के वन्य योद्धा बलारा के लिए कुछ कर गए। उधर बलारा देश के महल में, बलारा के महल में केवल मंत्रीगण आ सकते हैं। राजा सभा की कार्यवाही के बाद उन्हें महल से बाहर निकल जाना होगा। मैंने महल के रक्षकों को मंत्रियों की पहचान करा दी है, वे इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, परंतु यदि वे चोरी छिपे महल में दाखिल होंगे तो मेरे दरिंदे उन्हें चीर फाड़ देंगे। उन्हें केवल मेरे बुलाने पर या राज्य सभा के समय आने की अनुमति दी जाती है। आज की कार्यवाही में हम सुजुकी को अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। यह हमारा वफादार कुत्ता बनकर रहेगा। गुलाम का सिर हमेशा आपके कदमों में रहेगा स्वामी। सेनापति सुजुकी, अपनी सेना को लेकर बलारा के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ और जहां भी बागी दिखाई दे उन्हें पकड़कर कारागार में डाल दो। कामरान अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा, वह हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं कामरान को जल्दी ही आपके कदमों में लाकर पटक दूंगा। तो आज की कार्यवाही समाप्त, अब हमें अकेला छोड़ दिया जाए। शेरा, शेरो, भेड़ियों, तेंदुओ, रिछो, अब कोई महल में कदम न रख सके, जाओ। हा हा, देख लिया अंगारा बुलडाग का शासन, तेरा सेनापति आज मेरा सेनापति बन गया। और अब मैं दुनिया के हर जानवर को नरबख्शी बना दूंगा, उन्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। अब मैं कुछ वक्त शैतान के देवता इबलिस की पूजा में बिताऊंगा ताकि मुझे और शक्ति मिले। बुलडाग पूजा कक्ष में पहुंचा। हे शैतान देवता, मुझे और शक्ति दे, मैं विश्व पर राज करूंगा, ऐसी ताकत दे मुझे, फिर दुनिया से भगवान का नाम मिटा दूंगा मैं, सब जगह तेरी पूजा होगी। आज की बलि स्वीकार कर, तू इस कुंवारी कन्या का खून पी ले, फिर मैं तेरा प्रसाद ग्रहण करूंगा। बुलडाग ने उस लड़की की गर्दन काट कर उसका खून एक कटोरे में भर लिया, उसमें से थोड़ा मूर्ति पर चढ़ाया। जय शैतान देवता की, और बाकी खून खुद पी लिया। ताजा खून, शैतान देवता का प्रसाद। फिर वह अपने कमरे में पहुंचा। सब ठीक है, चारों तरफ मेरी जय जयकार है। अचानक है अंधेरा, कैसे हो गया? ऋषिम, ओ यह क्या मुसीबत है, क्या हो रहा है यहाँ, कौन है, उजाला करो। ऋषिम, ए कौन हो? मैं कौन? ग्रेट अंगारा, देख शैतान की औलाद, देख मैं हूँ ग्रेट अंगारा। मैं तुझे बलारा की राजगद्दी पर नहीं बैठने दूंगा, सैनिकों पकड़ो इसे। अचानक अंधेरा छा गया। हा हा, आत्माओं को कोई नहीं पकड़ सकता, बेवकूफ है, कहाँ गया? और दूसरे पल रोशनी हो गई, यहाँ तो कोई नहीं। बुलडाग अपने कक्ष से बाहर आया। क्या तुमने किसी को देखा? नहीं। तुमने नहीं तो? वह वापस कक्ष में चला आया। मालूम पड़ता है यह कोई डरावना सपना था या कहीं सचमुच अंगारा की आत्मा थी। अगली सुबह, मेरे जानवर तो बंद सूखने में भी दक्ष है, रात को भी देख सकते हैं। महल में कोई इंसान भी रात को नहीं रहता, इंसान धोखा दे सकता लेकिन जानवर नहीं। फिर पिछली रात वह कौन था? बिल्कुल अंगारा लगता था, किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा, न उसकी गंध महसूस की, लगता है सपना ही था वह। एक सप्ताह कोई दूसरी घटना नहीं घटी। तुझे मैंने कोयला बना दिया, तुझे शैतान की ताकत से मारा, मैंने तेरा शरीर तो यहाँ है, तू भूत कैसे बन सकता है? मेरे हाथों मरने वाला अगर भूत भी बनेगा तो भी मेरा गुलाम होगा, यह बात मैं भूल ही गया था। उसी रात अंगद अपनी सेना के साथ बलारा के महल के पास पहुंचा। चलो महल में हमला बोल दो, अभी बुलडाग को मत छोड़ना, उसके रक्षकों को हटाकर उनकी जगह ले लो। अंगारा द्वीप के जानवरों ने महल के जानवर रक्षकों पर धावा बोल दिया। गुर गुर, बुलडाग अपने कक्ष में था। है ये आवाजें कैसी? अचानक बुलडाग के कक्ष में अंधेरा छा गया। और है कौन है तू? मैं ग्रेट अंगारा, अभी मैं भूत बांधने वाला शैतान मंत्र छोड़ता हूँ तुझ पर। अरे मुझ पर क्या मंत्र फेंकेगा तू? आज मैंने तेरे जानवरों को आपस में लड़ा दिया। अचानक मशाल की रोशनी भी गायब हो गई। हा हा, ग्रेट अंगारा की आत्मा फिर आएगी। दूसरे पल पुनः रोशनी हो गई, फिर मेरी धुलाई करके भाग गया। दरवाजा खोलो, किसने बंद किया बाहर से? क्या हो रहा है बाहर? मुझे अपनी शैतानी ताकत से दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बुलडाग दरवाजा तोड़कर बाहर आया। बंद करो या झगड़ा, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? इन्हें मैं लड़ा रहा हूं मूर्ख, तू तेरी ये मजाल, देख मेरी ताकत। हा हा, लेकिन अंगारा गायब हो गया। गायब हो गया कायर, बता कहाँ है तू? कुछ भारी गड़बड़ लगती है, जानवर हम पर भी हमला बोल सकते हैं, ऊपर से अंगारा का भूत, मुझे शैतान देवता की शरण में पहुंच जाना चाहिए। बुलडाग शैतान देवता की शरण में पहुंच गया। हे शैतान देवता, तूने मुझे यह शक्ति तो दे दी कि मेरे जिस्म से लहू नहीं बह सकता,
चाहे कोई कुछ भी शस्त्र का प्रयोग करे, परंतु यह अंगारा का भूत रोज मेरी ठुकाई करता है, इसका कोई उपाय बताओ। हे मेरे पुजारी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू मेरा सच्चा भगत है, बोल क्या चाहता है। मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी इच्छा के बिना कोई मुझे हाथ लगाएगा तो उसे ऐसा झटका लगे जैसे बिजली का करंट हो। लो ये हार धारण करो, जब भी तुम इसे पहनोगे तुम पर आक्रमण करने वाले को बिजली के करंट जैसा झटका लगेगा। बुलडाग खुशी खुशी वहां से निकला, हा हा, और अपने कक्ष में पहुंच गया। अब आजा बेटे अंगारा, हाथ लगा के देख। ही अगली सुबह क्या हुआ, झगड़ा खत्म हो गया क्या? हाँ अक्का, अब सब ठीक है। उधर जंगल में अब पूरे महल पर हमारे जानवर तैनात है और बुलडाग को इसकी खबर ही नहीं। आज रात बुलडाग का खात्मा कर देंगे रात के समय। अब देखता हूँ कौन सी आत्मा वात्मा मुझे हाथ लगाती है। तभी गुर्र, अरे तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? एक शेर ने बुलडाग पर हमला किया। ओ यह क्या गड़बड़ है, क्या यह भी भूत बन गए हैं? लेकिन बुलडाग का स्पर्श होते ही साग खाकर वह मर गया। आया कुछ मजा, जिसे जिसे बुलडाग छूता गया वह जानवर साग खाकर मरने लगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, भागो। हे राष्ट्रपति, हम बुलडाग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब क्या करें? मेरे पास एक तुरक का पत्ता जो बुलडाग का सब कुछ बिगाड़ सकता है। कौन है वह? चार्ली। लेकिन चार्ली तो स्पार्टा ग्रह में कैद है, हमें डॉक्टर कुणाल की मदद लेनी चाहिए। मैं खुद डॉक्टर कुणाल के पास जाता हूँ। अंगद डॉक्टर कुणाल के पास पहुंचा। हमें बुलडाग की मौत चाहिए, नहीं तो अंगारा का उद्देश्य खाक में मिल जाएगा। अंगारा की मौत का बहुत दुख है मुझे, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ। मैं लूरा ग्रह के किंग लूरा से अभी संपर्क स्थापित करता हूँ। हालांकि चार्ली का पृथ्वी पर उतरना अंगारा के लिए हानिकारक है, परंतु बुलडाग का जिंदा रहना तो जानवरों की तबाही है। जब मैंने लूरा ग्रहवासी को ट्रांसमिट करवाया था तब वे लोग हमें एक ऐसा यंत्र दे गए थे जिससे उनके ग्रह पर संपर्क बनाया जा सके। लूरा ग्रह हमारा मित्र ग्रह बन चुका है। चार्ली ऐसी मुसीबत है जो बुलडाग को खत्म कर सकती है, और चार्ली को स्पार्टा ग्रह से सिर्फ पाप बुला सकते हैं। बुलडाग न तो चार्ली का खून पी सकता है, न ही चार्ली पर उसके किसी चोट का असर पड़ सकता है। और अगर अंगारा सचमुच इस दुनिया में नहीं है तो फिर आपको एक और अंगारा भी बनाना पड़ेगा। लूरा ग्रह कंट्रोल चेक लूरा किंग लूरा से बात कराओ, पृथ्वी ग्रह से डॉक्टर कुणाल बोल रहा है। ओवर। लूरा ग्रह पर, मैं किंग लूरा, बोलो क्या बात है? हमें चार्ली पृथ्वी पर चाहिए। वह दगाबाज शैतान बोना पृथ्वी पर उसका क्या काम है? एक शैतान को मारने के लिए दूसरे शैतान की जरूरत है। चार्ली को बता दो कि अंगारा अब इस दुनिया में नहीं है, शैतान बुलडाग ने उसे खत्म कर दिया है। ओ यह तो बहुत दुखदायी समाचार है, किंतु पृथ्वी पर तो अंगारा से शक्तिशाली कोई नहीं, उसे किसने मार दिया? जिसने अंगारा को मारा है उसे केवल चार्ली ही मार सकता है। ठीक है, हम चार्ली को पृथ्वी पर भेज रहे, किंतु उससे सावधान रहना, वह बोना शैतान बड़ा खुरापाती है, पता नहीं कब क्या कर बैठे। किंग लूरा एक दूसरे कक्ष में गया जहाँ चार्ली को एक गहरे नीले रंग के शीशे के जार में रखा गया था। गहरे नीले रंग की वजह से सूरज की किरणें शीशे में नहीं जा सकती थी, और सूरज की किरणों के सिवाय चार्ली की सारी शक्तियां खत्म हो जाती थी। चार्ली, लगता है तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, तुम्हें वापिस पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। यह किंग लूरा की कोई चाल तो नहीं है। पृथ्वी से एक दुख भरा समाचार प्राप्त हुआ, अंगारा जीवित नहीं रहा। क्या यह नहीं हो सकता? अंगारा को बुलडाग नामक शैतान ने मार दिया, तुम तो खुश हो न? नहीं, यह मेरे लिए खुशी की बात नहीं, अंगारा मेरा शिकार था, उसे मेरे हाथों मरना था। चार्ली को जार से बाहर निकाला गया। तुम्हें इसी काम से पृथ्वी पर भेजा जा रहा है, जाओ। किंग लूरा ने चार्ली को एक खास कुर्सी पर बिठा, अलविदा। और दूसरे ही पल ट्रांसमीटर होकर चार्ली पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में उतरा। पहले अंगारा द्वीप चलता हूँ। हे चार्ली, तू अंगारा द्वीप आने के बजाय बलारा पहुंच जा। अरे मच्छर, तू कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाला? मैं अंगारा द्वीप का जासूस आबू हूँ। अंगारा की सारी सेना बलारा में है, वहीं पर बुलडाग शैतान ने अंगारा को मार दिया, मगर मुझे बलारा का रास्ता नहीं मालूम। चलो मैं बताता हूँ। आबू के साथ चार्ली बलारा पहुंच गया। चार्ली आ गया, वो देखो। चार्ली वाह, तुम सब मुझे देखकर खुश क्यों हो रहे हो? तुम तो मुझे फाड़ खाने को दौड़ते थे। चार्ली, हम सबको विश्वास है कि तुम उस शैतान का खात्मा कर दोगे जिसने अंगारा को मारा है। कहाँ वह शैतान बुलडाग जिसने मेरे प्यारे दुश्मन को मारा है? वह अपने महल में है। तो मैं चला बुलडाग का खात्मा करने। महल में, सेनापति सुजुकी, हम तुम्हारी वफादारी से खुश हैं, तुमने सारे बागियों को पकड़कर कारागार में पहुंचा दिया। अब तुम इसी महल में रहोगे हमारे अंगरक्षक बनकर,
और महल के सभी जानवरों को देखना तुम्हारा काम है। जो आज्ञा महाराज। तभी है यह कौन है? हम इसी तरह बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं और काम खत्म करके जाते हैं। कौन है तू बोने? सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे। बुलडाग के सैनिक चार्ली पर झपटे, लेकिन ये तीनों तो लेट गए। अब चाहो तो इस पहलवान सुजुकी को भी भेज के देख लो। देख क्या रहे सुजुकी, कीमा बना दो इस बोने का। जो आ गया। मैं तुझे मारना नहीं चाहता पुत्र, वरना मैं तेरा ही कीमा बना देता। तुम्हारा सेनापति भी उम्दा हो गया। अब इस चार्ली का ऐलान सुनो। तुम्हारी राज्यसभा में चार्ली तुम्हें मृत्यु दंड देने आया है। कसूर यह है कि तुमने मेरे प्यारे दुश्मन की हत्या की है। मेरे अलावा उसे मारने का अधिकार किसी को नहीं था। जिस तरह तुमने अंगारा की मूर्ति यहाँ लगा दी है, उसी तरह मैं तुम्हारी मूर्ति अंगारा द्वीप पर खड़ी करूंगा। चलो मेरे साथ। बोने, शैतान तेरी ये मजाल, मैं अभी तेरा खून पी जाऊंगा। लो पी ले यार, ले पी ले यार, है तेरे जिस्म में तो खून ही नहीं है। हे, और कुछ करना है तो वह भी कर डाल, मैं तुझे भी जला दूंगा। अगर मैं जल गया तो मुझे भी कोयला बनाकर अंगारा के बराबर में खड़ा कर देना यार, बिजली के झटके से मार दूंगा। हे शैतान देवता, ला मेरा बिजली के झटके वाला हार। बुलडाग के सीने पर ड्रैगन का दिया हुआ हार चमकने लगा। वो यह मामला जानदार है, इसका मतलब जमीन नहीं छूनी है। देखे फिर कैसे झटका देता है। अब झटका दे बिजली का। है तू तो हवा में उड़ रहा है। अबे उड़ ही नहीं रहा हूं, तुझे भी उड़ाने जा रहा हूं। यह देख मेरा झटका, अपना भार बढ़ाता हूं। चार्ली बुलडाग के साथ महल के बाहर उड़ चला। ये शैतान देवता, मेरा भार बढ़ा, मेरा वजन बढ़ा। ये बात है, वजन बढ़ाता है। प्रिंस टुम्बा, मेरी भी एनर्जी बढ़ा, वजन बढ़ा, एनर्जी बढ़ा। अब एनर्जी रेड पॉइंट पर है, मैं टूट जाऊंगा। इस पहाड़ को यहीं से फेंक कर परलोक पहुंचा देता हूं। इस तरह बुलडाग वजन बढ़ाता गया और चार्ली अपनी एनर्जी हवा में। बिजली के साक वाले हार का कुछ काम नहीं हो रहा था, इसलिए बुलडाग ने हार गायब कर दिया। वजन घटा घटा। शैतान देवता, फूल की तरह हल्का कर दे। तू तो सचमुच कारामाती शैतान है, बड़े आराम से धरती पर गिरा, चोट तक नहीं लगी। लेकिन मैं तुझे ऐसे छोड़ने वाला नहीं, मरना तो तुझे है ही। ये बोने, शैतान चार्ली, तू भी शैतान, मैं भी शैतान, अगर हमसे हाथ मिला ले तो सारी दुनिया पर राज करेंगे। मुझे राजवाज नहीं करना, सिर्फ प्रिंस टुम्बा को जीत करना है। प्रिंस टुम्बा, यह खोपड़ी टुम्बा की है, मेरे आका की, जिसे अंगारा ने मार डाला था। यह तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं टुम्बा को शैतानी ताकत से जिंदा कर सकता हूँ। है क्या सचमुच? हाँ चार्ली, मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। अगर यकीन नहीं तो खुद देख लेना। अगर तू सच बोल रहा है तो फिर देख लेते हैं। झूठ साबित हुआ तो बहुत बुरी मौत मारूंगा, और सच साबित हुआ तो क्या दोस्ती का हाथ मिलाएगा, पक्का वादा रहा। थोड़ी दूरी पर छिपा हुआ जटायु उनकी सारी बातें सुन रहा था। है ये दोनों तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं। मैंने महल में अंगारा का भूत देखा, क्या तुम उस भूत को पकड़ लोगे? क्या अंगारा का भूत? अरे शैतान के बाप, फिर तो उसने तुम्हें झांसा दे दिया, वह मरा ही नहीं होगा। मैंने खुद उसे कोयले की मूर्ति बना दिया था। अरे मैंने भी उसे एयर क्रैश में मरवा दिया था, वह मुझे भी भूत का झांसा देकर मुझसे काम कराता रहा। तुम्हारे कहने का साफ मतलब अंगारा जिंदा है, पहले मुझे उस भूत से मिलाओ, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तुम मेरे शयन कक्ष में छिप कर देखना। चलो फिर, इसका मतलब स्वामी जिंदा है, मुझे शोक से मुक्त हो जाना चाहिए। कितने दिनों से यहाँ छिप कर आंसू बहा रहा हूँ। चार्ली बुलडाग को महल में ले आया। वैसे तो मैंने महल के सारे दरवाजों पर शैतानी ताबीज बांध दिए हैं, जिसे पार करके कोई भूत नहीं आ सकता, इसलिए वह कुछ दिनों से मुझे सताने नहीं आया। आज रात सारे ताबीज गंडे खोल दो। रात हो गई, तुम यहाँ छिप जाओ चार्ली। जैसे ही वह भूत मुझ पर हमला करे, तुम उसे दबोच लेना। चार्ली छिप गया। बुलडाग के गले में बिजली के साक वाला हार चमकने लगा, और तभी हा, वो लगता है आ गया। वो अंगारा, मुझे छूकर तो देख, ये मसाल इसी काम के लिए है, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, इससे मारूंगा। अब आ जाओ दोस्त, यह चार्ली क्या कर रहा है? मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन उसी समय रोशनी हो गई, गायब हो गया, डर कर भाग गया। मगर यह चार्ली क्या करता रहा? उसने अंगारा को पकड़ा क्यों नहीं? है चार्ली भी गायब? चार्ली अंगारा के भूत का पीछा कर रहा था। बुलडाग को क्या मालूम कि अंधेरे में मेरे पास एनर्जी नहीं रहती, लेकिन इस भूत का पर्दाफाश करके ही छोड़ूंगा।
वो या तो किसी तहखाने का रास्ता है। सीढ़ियां उतर कर अंगारा एक और कक्ष की तरफ बढ़ने जाने लगा। अंगारा उस कक्ष में पहुंचा जहां बुलडाग ने राजकुमारी बलारा को कैद कर रखा था। आओ ग्रेट अंगारा, आओ मेरे करीब आ जाओ। राजकुमारी बलारा, तुमसे मिलने के लिए मुझे भूत का नाटक करना पड़ता है। लेकिन कब तक अंगारा, कब तक? जब तक मैं बुलडाग की शैतानी ताकत की काट तैयार नहीं कर पाता। तुम तो जानती हो राजकुमारी बलारा, किस प्रकार उस शैतान की आग उगलती जुबान को मैंने धोखा दिया। जिस समय उसने मुझ पर आग की लपटें फेंकी, मैं उस मूर्ति के पीछे छिप गया जो तुमने बनवाई थी, और वह तुम्हारी मूर्ति थी। अंगारा, जो मेरे सपनों की दुनिया थी, बुलडाग की आग उस पर टकराई और वह कोयला बन गई। और अगर मैं तुम्हें इस कैद से मुक्त करके ले जाऊंगा तो बुलडाग को यकीन हो जाएगा कि मैं मरा नहीं। फिर वह बलारा में तबाही मचा देगा और बलारा हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अगर तुम मुझे मिल जाते हो अंगारा, तो मुझे बलारा नहीं चाहिए, बलारा का खजाना भी नहीं चाहिए। लेकिन वह मेरी हार होगी, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। राजकुमारी बलारा, बुलडाग के साय से मुक्त करके ही मैं यहाँ से जाऊंगा। छिपावा चार्ली सब बातें सुन रहा था। बुलडाग को मारना यह मेरे सेनापति सुजुकी का भी व्यक्तिगत मामला है। बुलडाग ने उसके पिता की हत्या की है और सुजुकी को गुलाम बना दिया है। यह सब ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए यही रहकर वक्त का इंतजार करो। क्या कामरान और दूसरे लोगों को पता है कि तुम जिंदा हो? अभी किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन कामरान भी वही कर रहा है जो मैं चाहता हूँ। इस वक्त बुलडाग के महल में मेरे जानवरों का पहरा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जैसे अंगारा ऊपर जाने के लिए मुड़ा, चार्ली छिप गया। अगली सुबह, तू कहाँ गायब हो गया था चार्ली? अंगारा का भूत आया था मालूम है, और यह भी मालूम है कि वह तुम्हारी धुलाई करके चलता बना। फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? पहले मैं जानना चाहता था कि वह भूत है या असली अंगारा, तो फिर क्या पता चला? धोखे पे धोखा यार, तू कैसा शैतान है। तुझसे बड़ा शैतान तो खुद अंगारा है। वह तेरे महल में घूम रहा है और तू कुछ नहीं कर पा रहा है, उसे भूत समझ रहा है। खैर, अब हम देखेंगे, अंगारा डाल डाल है तो हम पात पात हैं। अब जरा कुछ अकल से भी काम लेना चाहिए, मैं जरा घूम फिर कर आता हूँ। हाँ जाओ। चार्ली सिद्धांगत के पास पहुंचा। क्या हुआ बुलडाग को क्यों जिंदा छोड़ दिया? शैतान बुलडाग ने अंगारा की प्रेतात्मा को अपना गुलाम बना दिया है। अंगारा की प्रेतात्मा? हाँ, जैसे सुजुकी को गुलाम बनाया, ऐसे ही अंगारा की प्रेतात्मा उसके बस में है, और यह प्रेतात्मा हर जगह उसकी रक्षा कर रही है। यह प्रेतात्मा तुम सबको भी बहकाने आ सकती है। तुम्हारा संबंध जीवित अंगारा से था, मृत आत्मा शैतान की रूह होती है। कहीं ऐसा न हो कि तुम इस शैतान रूह के धोखे में आ जाओ। हमें शैतान रूह से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आमतौर पर रूहें जानवरों को जल्दी बस में कर लेती हैं, इसलिए सावधान, जैसे ही तुम्हें अंगारा के शरीर में वह रूह नजर आए, उसे घेर लो और ऐसी चाल चलो कि रूह के छक्के छूट जाए। किसी तरह उसे वेल के जबड़े में पहुंचाकर कैद करवा दो, और वेल से कह दो कि वह उसे किसी हालत में मुक्त न करे, बस फिर बाकी मैदान साफ हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन सारा काम धोखे से करना, मैं चला। चार्ली जाल फैलाकर लौट पड़ा। अब देखता हूँ अंगारा, तेरा ही तीर और निशाना भी तुझ पर, फिर तू खुद कहेगा ग्रेट अंगारा नहीं ग्रेट चार्ली है। चार्ली बुलडाग के महल में दाखिल हुआ। क्या तुम मुझे ऐसी कोई जगह बता सकते हो जहाँ अंगारा की आत्मा भी न पहुंच सके? ऐसी जगह शैतान की गुफा है, जहाँ मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता। तो फिर राजकुमारी बलारा को उसी गुफा में पहुंचा दो, और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी सवाल मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। कुछ समय बाद राजकुमारी बलारा को शैतान देवता की गुफा में पहुंचा दिया गया है। अब मुझे उस गुफा का मार्ग भी बता दो। लेकिन तुम उसमें कदम मत रखना, जंगल में शैतानी टीले पर वह गुफा है, वहीं मैंने शैतान देवता की पूजा करके ताकत प्राप्त की और जानवरों को अपना गुलाम बनाया। अब सुनो मेरी अगली योजना, जितनी बार अंगारा ने तुम्हें मार लगाई है, उतनी बार तुम उसे सुजुकी के हाथों पिटवाओगे, और हम दोनों दंगल देखेंगे। अब तुम्हें सिर्फ अंगारा के भूत का इंतजार करना है। रात होते ही हु, मैं ग्रेट अंगारा का भूत आ गया है। बुलडाग कहाँ गया? लगता महल छोड़कर भाग गया। कहीं शैतान की पूजा वेदी पर तो किसी की कुर्बानी नहीं दे रहा है? नहीं, यहाँ भी नहीं। क्या भाग गया महल छोड़कर? अब राजकुमारी को आजाद करने का उपयुक्त समय आ गया है। अंगारा तिलस्मी तय खाने में उतरकर खजाने वाले कमरे में पहुंचा, जहां राजकुमारी को कैद कर दिया था। अचानक विषुम, सुजुकी, मैं अंगारा हूँ। नहीं, तो भूत अप्रेत आत्मा है। नहीं, मैं भूत नहीं, जीवित अंगारा हूँ। सुजुकी, अब हाथ मत उठाना।
वाह क्या दंगल है, मजा आ गया है। बुलडॉग और चार्ली भी, चार्ली नहीं ग्रेट चार्ली, मार सुजुकी से शाबाश मेरे सेनापति, मार इसने मेरी जितनी ठुकाई की है उसका गिन गिन कर बदला ले, और मुझे भी इसने खूब सताया है, गिन गिन के मार। सुजुकी मुझे क्या मारेगा कुत्तों, मैं तो इसके सिर्फ सुरक्षात्मक ढंग सुरक्षात्मक जंग लड़ रहा हूँ, वरना ग्रेट अंगारा को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। सुजुकी को तूने अपना गुलाम बना दिया है, वरना वह तुझे मारता कुत्ते, लेकिन अब तू पिटता जा, वह सुजुकी को बराबर कर देगा। तुम अपनी ताकत दिखाओ बुलडॉग। अचानक बुलडॉग के हाथ में एंटर दिखने लगा। सड़ा वाह वाह मजा आ गया, बोल अंगारा ग्रेट, तू आई अब मैं, या शैतान देवता फौलाद बना दे मुझे। ओ यह तो वाकई ठोस फौलाद बन गया, अब मेरी ताकत देख। उसे जान से मत मारना बुलडॉग, यह तो बेहोश हो गया, अब इसका क्या करे। इसे इसके जानवरों के हवाले कर देता हूँ, वे इसे ऐसी जगह कैद कर देंगे जहाँ से यह कभी ना निकल पाएगा। अंगारा को उसके जानवरों के हवाले कर दिया गया। यह अंगारा का भूत है, इसे व्हेल के मुंह में कैद कर दो। चार्ली महल में लौट आया। बुलडॉग अब तुम अपनी शैतानी ताकत से प्रिंस टुम्बा को जिंदा करो, उसके लिए हमें शैतान गुफा में जाना होगा। तो फिर देर मत करो, पहले मैं प्रिंस टुम्बा को जिंदा करूंगा, फिर प्रिंस टुम्बा के हाथों अंगारा को मरवाऊंगा, तभी मजा आएगा। हम शैतान देवता की गुफा में कल चलेंगे। उधर अंगारा को व्हेल की कैद में डालने के लिए वन्य सेना समुद्र तट पर पहुंची। है ये मूर्ख क्या कर रहे हैं, व्हेल रानी अंगारा के इस भूत को तुझे हमेशा के लिए अपने जबड़े में कैद करके रखना है, ऐसी की तैसी इनकी। और दूसरे पल, अरे जटायु ठहरो, यह अंगारा का भूत है तो अंगारा का ही। जटायु अंगारा को लेकर दूर गया। थोड़ी देर बाद जब अंगारा को होश आया, चार्ली ने बड़ी जबरदस्त चोट दिया, जटायु राजकुमारी को किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया है, मुझे सब पता है, स्वामी मेरा चेला अबू भी जासूसी कर रहा है, राजकुमारी शैतान गुफा में है, और मुझे यह भी पता चल चुका है कि बुलडॉग शैतानी ताकत कैसे खत्म हो सकती है। उसकी ताकत खत्म होते ही सब नर बक्सी जानवर ठीक हो जाएंगे और उसके सारे गुलाम मुक्त हो जाएंगे, तो बताओ क्या करना है। शैतान गुफा में एक शैतान ड्रैगन है जो इंसानी खून पीता है, वह एक बदरू है, गुफा के अंदर जो भी जाता है वह उसे निगल जाता है, इस ड्रैगन का खात्मा होते ही सब ठीक हो जाएगा। गुफा के अंदर इसे नहीं मारा जा सकता, इसे किसी तरह आप गुफा से बाहर ले आइए, फिर मैं इससे निपट लूंगा, तो फिर मुझे वहां ले चलो। चल आबू रास्ता बता। आबू के पीछे से जटायु अंगारा को लेकर उड़ने लगा। आबू ने जटायु को गुफा के सामने पहुंचा दिया। अब हमें एक मोटी रस्सी का प्रबंध करना चाहिए, मैं रस्सी पकड़कर गुफा में जाऊंगा, रस्सी का फंदा ड्रैगन की गर्दन में डाल दूंगा और तुम्हें संकेत दे दूंगा। ठीक है स्वामी। रस्सी लेकर अंगारा गुफा में उतरने लगा। ड्रैगन ने अपनी सांस से अंगारा को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। वो मेरे पांव उखड़ रहे हैं, ड्रैगन की सांसें और तेज होने लगी। अपनी खुद की सलामती के लिए यह रस्सी का फंदा मुझे पहले अपनी कमर में फंसा देना चाहिए। ड्रैगन ने एक और जोरदार सांस ली और ओ मैं तो इसके मुंह में फंस गया। जटायु को रस्सी खींचने का संकेत देता हूँ। संकेत मिलते जटायु ने रस्सी खींचना शुरू कर दिया। मेरे शिकार को मुंह से बाहर कौन खींच रहा है, ऐसे में शिकार छोड़ने वाला नहीं, मगर इसके जिस्म में मेरे दांत क्यों नहीं फंस रहे हैं। जटायु पूरी ताकत से रस्सी खींचता रहा, जिससे ड्रैगन को गुफा से बाहर आना ही पड़ा। है स्वामी, तो उसके मुंह में फंसे हुए हैं, मैं रस्सी को इस पेड़ से बांध देता हूँ। मेरी आंखें, जैसे ड्रैगन का मुंह खुला, अंगारा कूद कर बाहर आ गया और उसने रिवॉल्वर निकालकर ड्रैगन को जख्मी कर दिया। आ अब मैं इसका काम तमाम कर दूंगा, इसे समुद्र में ले जाऊंगा जहां मैं और व्हेल इसे बराबर कर देंगे। ठीक है, मैं राजकुमारी को लेकर आता हूँ। जटायु ड्रैगन को लेकर समुद्र की तरफ उड़ा और अंगारा द्वीप में प्रविष्ट हुआ, और राजकुमारी अवश्य यही कहीं होगी। ओ अंगारा बेहोश राजकुमारी को लेकर बाहर आ गया। उधर बुलडॉग अपने महल में था। चार्ली अब हम शैतान देवता की गुफा में चलेंगे, तभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुलडॉग है अंगारा, शैतान देवता मुझे ताकत दे, अब तुझे ताकत नहीं मिलने वाली, तेरा शैतान देवता मर गया। बुलडॉग की शैतानी ताकत खत्म होने से सुजुकी पर छाया हुआ जादू भी अपने आप नष्ट हुआ। सुजुकी यह तुम्हारा शिकार है, इसने तुम्हारे पिता को मारा है, इसे खत्म कर दो। लगता है सब गड़बड़ हो गया, फिलहाल मैं कहीं छिप जाता हूँ, वैसे भी शाम होने वाली है, अंधेरा होते ही
अंगारा मुझे पकड़ लेगा। तूने मुझे गुलाम बनाया था मेरे पिता के अत्यारे, आ मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। ई है चार्ली कहाँ गया? बदमाश फिर गायब हुआ। पिताजी मैंने आपके कातिल को खत्म कर दिया। दूसरे दिन अंगारा राजकुमारी बलारा को दरबार ले आया। राजकुमारी बलारा अब आप अपना शासन संभालिए, बलारा का शैतान मर चुका। ग्रेट अंगारा, अंगारा क्या तुम बलारा की राजगद्दी नहीं संभाल सकते? नहीं राजकुमारी, अभी तो मुझे अपनी जानवरों की सेना को लेकर वापस अंगारा पहुंचना है। चार्ली आजाद घूम रहा है, वह कभी भी कुछ कर सकता है, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दे दो। अंगारा महल से निकलकर अपने साथियों के पास पहुंचा। हमसे बड़ी भूल हो गई थी, चार्ली ने हमें बहका दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अंगारा दी, लेकिन आप भूत बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? मैं चाहता था कि वह भूत से इतना आतंकित हो जाए कि महल छोड़ने पर मजबूर हो जाए। साथ ही मैं उसकी ताकत को भी जानना चाहता था। अनेक नरभक्षी जानवर मेरी गंध सूंघ ही नहीं सकते थे, क्योंकि मेरी गंध इंसानों जैसी नहीं है। इसलिए उन्हें धोखा देकर मैं महल में पहुंच जाता था और प्रेत लीला रचाकर बुलडाग को भयभीत करता था। दूसरे दिन अंगारा अपने साथियों के साथ अंगारा द्वीप के लिए रवाना हुआ। फिर मिलेंगे। समाप्त दोस्तों, ये इतनी थी। इससे आगे अंगारा का जन्मदिन, वो भी पढ़ेंगे। इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद।